जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो, लैब असिस्टेंट के अंदर हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल रही है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, ऑफलाइन क्लासेस मतलब जो क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि लाइव क्लास क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तो लाइव क्लास के अंदर देखो आपके जो मान लो 10 मिनट का जो टॉपिक है ना उसको आधा घंटा लग जाता है लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि साथ में आपके कमेंट्स पढ़ना, उनके रिप्लाईज देना। तो इसलिए मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ कि पहले आपके जल्दी यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंदर ये प्रॉब्लम और होती है कि कई बार क्लासेस बीच में बंद हो जाती है, अगर लाइट चली जाती है तो क्लासेस बीच में बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से मैं लाइव क्लास ना करके आपके जो वीडियोज है वो डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ। अब लैब असिस्टेंट के अंदर हम यहाँ पे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो टॉपिक है यहाँ पे ध्यान में रखना पर्यावरण अध्ययन का, और उसके अंदर ये हेडिंग्स है हमारे सामने। एक है पारितंत्र की संरचना और प्रकार पढ़ने हमें यहाँ पे, ऊर्जा प्रवाह पढ़ना है, जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ना है, पारिस्थितिक अनुकूलन पढ़ने, पर्यावरण प्रदूषण समष्टि और जैव विविधता, मतलब ये 7 टॉपिक है। इन 7 टॉपिक के अलावा हमें यहाँ से दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें दे रखी हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। अगर हम बात करें कि भाई इन टॉपिक में से अभी तक 2016 के अंदर और 18 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2016 के अंदर शायद एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आया है, लेकिन 2018 के अंदर एक जैव विविधता में से एक आपकी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है अब की बार इसमें से आपकी टॉपिक पूछा जाए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो आपके ये जो टॉपिक है इकोसिस्टम वाला, ये एक ऐसा टॉपिक है कि IAS UPSC तक की तैयारी करते हैं तो उनको ये इकोसिस्टम पढ़ना पड़ता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके काम में आएगा, हर एक एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ें। अब मैं आपको प्रिफेयर करूंगा भी आपको पढ़ना कहाँ से है, तो ध्यान में रखना आप RBSE या NCERT दोनों की बुक से पढ़ सकते हो। अगर लैंग्वेज की दृष्टि से देखें तो आप 11th की जो बुक से RBSE की चलती थी उस बुक्स में से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, कि भाई आसानी से सारी चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये बात हो गई हमारे इस टॉपिक के बारे में, पारितंत्र की संरचना प्रकार पढ़ने, ऊर्जा प्रवाह पढ़ना है, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण समष्टि और जैव विविधता पढ़ना है। अब एक एक टॉपिक को हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पे पारितंत्र के बारे में, किसके बारे में यहाँ पे पारितंत्र। पहली बात तो पारितंत्र जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम, क्या कह सकते हैं इसको, इकोसिस्टम कह सकते हैं। अब पारितंत्र होता क्या है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना और इसको समझना है। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे बाकी वाली चीज़ें। पहले हम पारितंत्र पढ़ रहे हैं तो इस पारितंत्र को ही हम यहाँ पे साथ साथ में समझते हैं। अब देखो पारितंत्र के अंदर क्या ध्यान में रखना है, पारितंत्र पहली बात तो एक प्रकार की आपकी इकाई है। किसकी इकाई है सर, तो इसको हम यहाँ पे ध्यान में रखना, या तो प्रकृति की इकाई कह सकते हैं, या फिर हम ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो पारिस्थितिकी है उस पारिस्थितिकी की क्या कह सकते हैं यहाँ पे, पारिस्थितिकी की क्या कह सकते हैं इकाई, या तो प्रकृति की इकाई या पारिस्थितिकी क्या हो जाएगी यहाँ पे इकाई हो जाएगी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम प्रकृति की इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे इकाई कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका, उसी प्रकार प्रकृति की इकाई क्या हो जाएगी, पारितंत्र। फिर नेक्स्ट बात भी हमारे सामने ये मान लो आपके मानव है, मानव जनन की प्रक्रिया करेगा तो अपनी संख्या में क्या करेगा यहाँ पे वृद्धि करेगा, क्या करेगा यहाँ पे वृद्धि, ये आपके मानव है और मानव ने यहाँ पे क्या बढ़ा ली आपकी जनसंख्या बढ़ा ली, क्या बढ़ा ली यहाँ पे जनसंख्या। अब ध्यान में रखना कि ये मानव का यहाँ पे एक समूह हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे कुत्तों का एक ये मान लो आपके समूह, ये कुत्तों का समूह हो गया, ये आपके भैंसों का समूह हो गया यहाँ पे, ये गायों का यहाँ पे समूह हो गया, और ये सारे समूह एक ही क्षेत्र के अंदर रहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे समुदाय, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे समुदाय कह सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये जो समुदाय है ये वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, किसके साथ क्रिया अंतःक्रिया करता है, यहाँ पे वातावरण है उस वातावरण के साथ क्या करता है यहाँ पे अंतःक्रिया करता है। अब वातावरण के साथ अंतःक्रिया, किसकी अंतःक्रिया सर, समुदाय की अंतःक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे पारितंत्र नाम देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे पारितंत्र है, ये पारितंत्र यहाँ पे नाम देते हैं। तो
पारितंत्र का मतलब क्या हो गया कि जो समुदाय है उसका वातावरण के साथ जो भी क्रियाएं होगी वो क्या होगा यहाँ पे पारितंत्र होगा। इसके अलावा समुदाय है सर, समुदाय के अंदर सारे के सारे कौन से घटक होंगे यहाँ पे सजीव घटक होंगे या फिर इसको हम जैव घटक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैव घटक। इसके अलावा वातावरण के अंदर सर निर्जीव घटक भी तो हो सकते हैं सजीव घटक के साथ में, निर्जीव घटक या इनको हम कह सकते हैं यहाँ पे अजैव घटक। क्या कह सकते हैं इनको हम यहाँ पे अजैव घटक। इन दोनों का जो परस्पर संबंध होगा वो संबंध आपकी क्या कहलाता है यहाँ पे पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे पारितंत्र। तो पारितंत्र जो टर्म्स है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि पारितंत्र टर्म्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैव और अजैव जितने भी कारक हैं उनका आपसी जो संबंध होता है वो आपके क्या कहलाता है यहाँ पे पारितंत्र। अब ये जो पारितंत्र या जो इकोसिस्टम शब्द ये किसने दिया था? तो ध्यान में रखना यहाँ पे टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम जो शब्द है ये किसने दिया था? यहाँ पे टेंसले ने दिया था। तो इस वैज्ञानिक का नाम आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। क्लियर है ना इतनी बात? तो अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे जो पारितंत्र है इस पारितंत्र के प्रकारों की बात करेंगे। एक तो हमें पारितंत्र की संरचना पढ़नी और इसके प्रकार पढ़ने। पहले हम इसके प्रकार और फिर इसकी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे संरचना में पारितंत्र की और संरचना क्या क्या हो सकती है। तो पहले हम यहाँ पे पारितंत्र है इसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि पारितंत्र इसके अंदर कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब पारितंत्र कोई भी हो सकता है। आप एक ग्लास लो, वो ग्लास का माध्यम क्या हो सकता है आपके पारितंत्र। एक आप गमला लो उसके अंदर पेड़ लगाया आपने, पौधा लगाया, वो एक प्रकार का क्या बन गया पारितंत्र। आपने एक छोटा सा मान लो कोई भी चिड़ियाघर बनाया या खेती कर रहे हो एक स्थान के ऊपर, वो आपके क्या है पारितंत्र है। तो इस प्रकार से पारितंत्र किसी भी जगह का हो सकता है। मतलब पारितंत्र के अंदर होना क्या चाहिए? एक तो सजीव घटक और एक आपके निर्जीव घटक। अब निर्जीव और सजीव घटक, सजीव घटक का मतलब आप समझ गए पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं। लेकिन निर्जीव घटक के अंदर मान लो वायु हो गई, हवा हो गया, तापमान हो गया, इसके अलावा आर्द्रता हो गई, ठीक है, जितनी भी गैसें हैं वो हो गया, जल हो गया, ये सारे निर्जीव घटक के अंदर। अब ये सारे निर्जीव घटक किसके लिए जरूरी है? सजीव घटक के लिए। और दोनों आपस में क्या है निर्भर। मतलब निर्जीव घटक है तब सजीव घटक है, सजीव घटक है तो निर्जीव घटक है। तो ये दोनों आपस में अंतःक्रियाएं होती है वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे पारितंत्र। अब पारितंत्र है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। पहले आप समझो इन चीजों को, फिर मैं इसका आरेख है वो यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। एक ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के अंदर अपने आप ही निर्मित हुआ है वो आपके कौन सा कहलाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र। मतलब जिसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं था वो आपके प्राकृतिक पारितंत्र। एक ऐसा पारितंत्र जो मानव ने बनाया है अपने हाथों से उसको तैयार किया है वो कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम पारितंत्र। जैसे कि मैं नॉर्मली आपको उदाहरण दूं कि आपने कोई भी एक जैसे कि एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब जल जीवशाला, एक देखा होगा कांच के पात्र के अंदर पानी रहता है, मछलियां रहती कांच के अंदर, है ना, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर या बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, आपने मॉल के अंदर देखा होगा, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम जल जीवशाला। वो मानव द्वारा बनाया गया है, उसमें आपके मछलियां रखी गई है, पानी है, उसको पर्याप्त मात्रा में आपके तापमान दिया जाता है, मछलियों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ उनको दिया जाता है मछलियों को। तो ये जीव के अंदर यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों घटक है उसके अंदर, और मानव के द्वारा बनाया गया है तो वो कौन सा हो जाएगा आपके? कृत्रिम पारितंत्र। लेकिन आप समुद्र के अंदर या फिर आप वन है उस वन का जो पारितंत्र देखोगे वो एक प्रकार का प्राकृतिक है, वो मानव ने नहीं बनाए हैं, वो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र। तो इस प्रकार से पारितंत्र कितने टाइप्स के हो गए आपके? दो टाइप्स के। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ तक आप चीज़ें ध्यान में रखना, चीज़ें साथ साथ में नोट करते जाना। बहुत बड़ी डिमांड होती है बच्चों की, सर नोट्स नहीं देते, नोट्स नहीं देते। तो देखो नोट्स आप खुद बनाओ या फिर जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आप बुक्स के साथ में उन चीज़ों को पढ़ते रहो, आपकी सारी थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सर जो पारितंत्र है इस पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है आपके? दो प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का हो जाएगा यहाँ पे? दो। अब देखो यहाँ पे ये जो दो प्रकार है ये कौन कौन से हैं एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र, एक तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र।
और इसके अलावा एक जो पारितंत्र होगा उसका होगा यहाँ पे कृत्रिम पारितंत्र। देखो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मतलब कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, लेकिन जो एकदम सही ऑथेंटिक जो चीज़ मिलती है वो आपको लास्ट में मिलती बताई जाती है। यहाँ पे भी इनमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक पारितंत्र हो गया यहाँ पे प्राकृतिक पारितंत्र, और एक पारितंत्र कौन सा हो गया हमारे सामने कृत्रिम। डेफिनेशन बस आपको पता है, नाम से आपको डेफिनेशन इसके अंदर यहाँ पे पता चल जाएगी। अब कृत्रिम पारितंत्र है सर, कृत्रिम पारितंत्र खेत का हो सकता है, किसका हो सकता है सर? कृत्रिम पारितंत्र आपके खेत का हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे उद्यान का हो सकता है, कोई भी गार्डन का हो सकता है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पे जल जीव साला, या फिर हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्वेरियम। ये आपको चीज़ विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो कि प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र कौन से है, चार ऑप्शन देंगे, निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र कौन से है, और वहाँ पे उदाहरण देगा आपको एक्वेरियम, जल जीवशाला नहीं लिखेगा एक्वेरियम। तो ध्यान में रखना एक्वेरियम कैसा हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। अब प्राकृतिक पारितंत्र है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे मुख्य रूप से आपके दो टाइप्स का होता है आवास के आधार पे, एक तो होता है यहाँ पे स्थलीय और एक कैसा होता है यहाँ पे जलीय। मतलब प्राकृतिक पारितंत्र है ये आपके आवास के आधार पर, किसके आधार पर? आवास के आधार पर दो टाइप्स का, कौन कौन सा सर? एक तो होगा यहाँ पे स्थलीय पारितंत्र जो जमीन के ऊपर रहता है, एक होगा यहाँ पे जलीय पारितंत्र। एक कौन सा हो जाएगा? जलीय, जो जल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप्स के हो गए? दो, स्थलीय पारितंत्र और एक कौन सा हो गया यहाँ पे? जलीय। अब स्थलीय पारितंत्र के अंदर देखो वन का हो सकता है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे घास का हो सकता है और मरुस्थल का हो सकता है। स्थल के अंदर किस किस का हो सकता है? एक तो वन का हो सकता है, एक घास का मैदान का हो सकता है यहाँ पे, घास का मैदान का, और एक आपकी मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? मरुस्थल है इसका यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र। ये आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? प्राकृतिक पारितंत्र के अंदर आवास के अंदर यहाँ पे स्थलीय पारितंत्र के प्रकार होंगे। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है जलीय के अंदर, किसके अंदर? यहाँ पे जल। अब जल दो प्रकार का होता है, एक तो खारा जल होता है और एक कौन सा जल होता है यहाँ पे? मीठा जल होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जलीय पारितंत्र दो टाइप्स के हो जाएंगे यहाँ पे, एक तो अलवणीय जल, अलवणीय जल के अंदर पारितंत्र, और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लवणीय जल के अंदर। अलवणीय जल के अंदर मतलब अलवणीय मतलब आपके मीठा जल हो जाएगा, और अलवणीय जल है ये आपके दो टाइप का होगा, एक तो ऐसा जल जो आपके स्थिर रहता है और एक ऐसा जल जो आपके गतिशील रहता है। ये कैसा हो सकता है? दो टाइप्स का, एक तो स्थिर जल हो सकता है और एक कैसा हो सकता है यहाँ पे? अस्थिर जल हो सकता है। कैसा हो सकता है यहाँ पे? अस्थिर जल। जबकि जो हमारे सामने लवणीय जल के अंदर देखें कि लवणीय जल के अंदर कौन कौन सा हो सकता है, तो महासागर का पारितंत्र इसमें, एक तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे? महासागर का पारितंत्र, एक सागर का पारितंत्र, और एक आपके समुद्रों का पारितंत्र इसके अंदर यहाँ पे रह सकता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर ज्वारंद मुख पारितंत्र। ये किसके अंदर आ जाएंगे? यहाँ पे लवण के अंदर। अस्थिर और स्थिर, ये हमारे सामने लवणीय जल दो हो सकते हैं, एक तो अस्थिर का मतलब जो एकदम स्थिर रहे जिसका पानी, और स्थिर का अस्थिर का मतलब गतिशील रहे, और स्थिर का मतलब स्थिर रहे। ठीक है, अस्थिर का मतलब पानी हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है, मतलब गति करता रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होगा? बहता रहेगा, वो आपके अस्थिर। और स्थिर का मतलब अलवणीय जल के अंदर ऐसा जल जो आपके स्थिर रहता है, वो आपकी कौन सा जाएगा यहाँ पे? स्थिर जल। अब देखो इसके अंदर स्थिर के अंदर क्या हो सकता है यहाँ पे सर? एक तो हो सकता है यहाँ पे झील, क्या हो सकता है आपकी? झील, क्योंकि झील का पानी स्थिर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक कौन सा हो सकता है यहाँ पे? तालाब। देखो नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे। स्थिर के अंदर एक तो झील हो जाएगा, एक तालाब का पारितंत्र, और इसके अलावा एक यहाँ पे पोखर है या कुंड कह सकते हैं हम, इसका पारितंत्र कैसा होगा आपके? स्थिर प्रकार का होगा। अस्थिर के अंदर कैसा होगा सर? तो अस्थिर के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना झरना हो गया यहाँ पे, इसके अलावा नदी हो गया, ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे? अस्थिर पारितंत्र हो जाएगा। तो ये पारितंत्र के हमारे सामने प्रकार है, इन प्रकारों को एक बार वापिस आप देख लीजिए। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम।
प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित, और कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा जो निर्मित पारितंत्र होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र आवास के आधार पर कितने टाइप्स के? दो प्रकार के, स्थलीय और एक कौन सा होगा? जलीय। स्थलीय का मतलब स्थल पर रहने वाले, जैसे वन, घास का मैदान और मरुस्थल। जलीय के अंदर दो प्रकार के जल होते हैं, अलवणीय और लवणीय, खारा जल और मीठा जल। मीठा जल दो, अस्थिर और स्थिर। अस्थिर के अंदर झरना, नदी, स्थिर के अंदर झील, पोखर, तालाब, लवणीय के अंदर महासागर, सागर और ज्वारन मुख हो जाएगा। इधर देखिए आप, कृत्रिम पारितंत्र खेत, उद्यान, जल जीवशाला या फिर एक्वेरियम, ये आपके पारितंत्र के प्रकार थे। बाकी इसकी जो संरचना होगी वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट्स करके यहाँ पे ज़रूर बताएं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।